उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी दर्शकों और छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं आरुषि, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग। आज हम तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पारंपरिक उपागम पर अपना लेक्चर दे चुके हैं और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आधुनिक उपागम पर बात करेंगे। जैसे कि आज का जो हमारा कंटेंट होगा, इसमें हम मेजर अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। मेजर अप्रोचेस में हम एक बार दोबारा से, जैसे कि जब हमने अभी ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा था पहले, उसको एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। एक बार हमारा रिवीजन हो जाएगा, उसके साथ जब हम उसे मॉडर्न अप्रोच के साथ कंपेयर करेंगे तो उससे हमारा आइडिया और ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद आज हम ये मॉडर्न अप्रोचेस पे बात करेंगे, मॉडर्न अप्रोच की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पर बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मॉडर्न अप्रोचेस, जिसमें कि आज हम ब्रीफली इनको समझेंगे क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं, तो इनको इंडिविजुअली ही, इनको अकेले अकेले इंडिविजुअली पढ़ाना होगा। जैसे कि अगर हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच की बात करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अप्रोच है और इससे हम बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। जब हम सिस्टम अप्रोच की बात करते हैं तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट अप्रोच है, इसके भी बहुत सारे मतलब डायमेंशंस हैं, तो इसका भी एक अलग लेक्चर होगा। बिहेवियरल अप्रोच की जब हम बात करते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, तो आज हम इन सारे अप्रोचेस को ब्रीफली समझेंगे और नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर होंगे उसमें ये सारे ही अप्रोच को हम इंडिविजुअली लेंगे। तो जब हम बात करते हैं, इससे पहले हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा और हम इसका एक मतलब एक भूमिका जो है कि क्या रीज़न है, क्या कारण है कि हमें आधुनिक जो मॉडर्न अप्रोचेस हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता हो रही है। ऐसे क्या मतलब जो सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य थे उनमें किस तरह का बदलाव आया जिस कारणवश मॉडर्न अप्रोच जो हमारे आधुनिक उपागम हैं और इनकी जो विभिन्न पद्धतियां हैं वो अस्तित्व में आई। तो जैसे कि हमने जब पारंपरिक उपागम पढ़े थे तो उसमें भी हमने यही बताया था कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम उपागम पढ़ रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं, तुलनात्मक राजनीति में उपागम की आवश्यकता क्यों है। तो जब हमारे ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उसी से फिर हम इसको और बेहतर तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। तो जब हमने पारंपरिक जो उपागम है जब हम उनको पढ़ रहे थे, उनको समझ रहे थे, तो उसमें हमने क्या पाया कि उसमें कुछ कुछ जो कमियां थी, कमियां किस तरह से थी उनको अभी समझने की आवश्यकता है। जैसे कि उनका जो एरिया था वो संकुचित था, वहाँ पर जो है केवल जो है वेस्टर्न जो पॉलिटिकल सिस्टम है या वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं थी सिर्फ उन्हीं के अध्ययन पर जोर दिया जाता था। साथ ही हमने ये भी देखा कि उस दौरान जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर ही ज़्यादा फोकस किया गया और साथ ही जो ये पद्धति थी ये जो है ये वर्णनात्मक पद्धति का इसमें प्रयोग किया जाता था, इसमें किसी भी तरह का जैसे विश्लेषण को स्थान नहीं दिया गया था। तो ये इसकी कमियां थी, इन कमियों के खिलाफ जो है अगर हम देखें उनको, फिर मॉडर्न अप्रोच हमारे समक्ष आया। मॉडर्न अप्रोच में क्या क्या, मॉडर्न अप्रोच में अगर इसके कारण ये भी थे, अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो उस दौरान, जैसे कि मॉडर्न अप्रोच है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में, मतलब लगभग उस दौरान आया, क्योंकि हम इसको एग्जैक्टली ये नहीं कहा जा सकता कि इस डेट से मॉडर्न अप्रोच को अपनाया गया, नहीं, मतलब एक वो दौर था, उस दौर में मॉडर्न अप्रोच अस्तित्व में आया। मॉडर्न अप्रोच आधुनिक उपागम के जो अस्तित्व में आने के जो कारण थे उसमें एक कारण ये भी कहा जाता है कि उस दौरान एशिया, अफ्रीका और साथ ही जो हमारे मध्य एशिया के जो देश हैं उनकी संस्कृति, उनकी राजनीतिक व्यवस्था और उनके वो लोग, क्योंकि उनका उदय होने लगा था तो एक हमारे समक्ष एक और व्यवस्थाएं, विभिन्न तरह की व्यवस्थाएं, संस्कृति हमारे समक्ष आने लगी थी। एक तो ये हमारा रीज़न हो गया कि हमने मॉडर्न अप्रोच को अपनाया जाने लगा। दूसरा कि जो साम्यवादी व्यवस्थाएं थी उनको भी जो है उनका भी उदय होने लगा, तो उनको भी इसमें
स्थान दिया गया जो मॉडर्न अप्रोच था इसमें, क्योंकि ये विभिन्न पद्धतियां तो हमने देख ली, इसको विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से इन्हीं सब चीज़ों को समझाया गया। अब अगर हम इनकी बात करते हैं, इनकी जैसे कि हम ये मेजर अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटर्स यूज डिफरेंट अप्रोचेस टूल्स टू अराइव एट ग्रेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो भी अप्रोच है इनके माध्यम से वो एक मतलब एक अंडरस्टैंडिंग, जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो इसको बनाया जाना इनका एक उद्देश्य रहा है। और जैसे कि अप्रोच के माध्यम से जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ रही हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की, पॉलिटिकल बिहेवियर की, उनके माध्यम से इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम किया जाता है। मतलब जो अप्रोचेस हैं वो एक माध्यम है जो भी हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल बिहेवियर में जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको इसके माध्यम से कम करने का प्रयास किया जाता है। अगर हम देखें मेजर टेंडेंसीज, ये जो हमारा मॉडर्न, जब हम ये मॉडर्न कंपेरेटिव अप्रोच की बात करते हैं, तो ये जो है इसकी कुछ इसमें जो इसकी विशेषताएं हैं, ये जो है अधिक, इसका जो क्षेत्र है वो ज़्यादा व्यापक है। इसका क्षेत्र व्यापक, जैसे कि अभी पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि पहले की भांति लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही इसका विषय का केंद्र नहीं रहा, बल्कि इसमें निरंकुश शासन व्यवस्था को भी शामिल किया गया। विकासशील देशों की जो शासन व्यवस्थाएं थी उनको भी इसमें स्थान मिला। इसी दौरान हम देखेंगे आमंड और पॉवेल की एक बुक है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स अ डिवेलपमेंटल अप्रोच, साथ ही आमंड और कॉलमिन की बुक द पॉलिटिक्स ऑफ डिवेलपिंग एरियाज, इस तरह की पुस्तकें इंट्रोड्यूस हुई जो कि क्या इसके विस्तृत क्षेत्र की ओर संकेत करती है कि अब जो इसका एरिया है वो काफ़ी मतलब वाइडर हो चुका है। इसमें साथ ही इसकी एक विशेषता ये भी कही जाती है कि इसमें जो है यथार्थवाद की इसमें खोज की जाती है। अब यथार्थवाद की जो खोज है इसे समझना, एक इसे किस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो कानून, इससे पूर्व यह कानून, विचारधारा, सरकारी संवैधानिक संस्थाओं और संरचनाओं के अध्ययन से आगे बढ़कर, जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो हमारा परंपरागत तरीका था पढ़ने का या परंपरागत जो हमारा उपागम था, उपागम थे, उसमें क्या था कि कानूनों की और हमारी विचारधारा की, सरकारी और गैर सरकारी, संवैधानिक, सरकारी और संवैधानिक संस्थाओं का, संरचनाओं का ही अध्ययन किया जाता था। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में इसे तो अपनाया ही गया, इसके साथ साथ इसमें शामिल किया गया राजनीति और नीति निर्धारण में जो भी प्रक्रियाएं अपना प्रभाव डालती हैं, इसमें औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं के साथ राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक दल, हित समूहों, निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक संचार, समाजीकरण, अध्ययन विश्लेषण, इन सभी विषयों को इसमें शामिल किया गया। तो ये क्योंकि थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है, अगर आपको हम देखें, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह से क्या चल रहा है, वो हम कैसे समझेंगे। मतलब अभी हम यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकली हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जब हम मॉडर्न अप्रोच के माध्यम से इन छोटे छोटे विषयों को पढ़ते हैं तो उससे हमारा जो अप्रोच है, हमारा पढ़ने का जो हम और इसको और बेहतर और क्लियर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमने आज के समय में भी देखते हैं कि बहुत जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो किस तरह से हमारे समाज को, और जैसे पहले सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का ही जो कि मतलब संविधान से संबंधित जो हमारे संस्थान हैं उन्हीं के विषय में पढ़ा जाता था, लेकिन आज जो है जो भी हमारे पॉलिटिकल जो स्फीयर है और पॉलिटिकल जो भी हमारा सोसाइटल जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं उन सबको भी हमारे अपने अध्ययन में शामिल किया गया है। इसमें जो है विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक तरीके को अब अपनाया जा रहा है। मैक्रिडिस जो है, मैक्रिडिस उनका ये मानना है, मैक्रिडिस जो है एक स्कॉलर रहे हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के, इनका नाम आगे आप बार बार सुनेंगे, राजनीतिक व्यवस्था के विवरण मात्र से ना तो राजनीतिक संस्थाओं की सही प्रकृति को समझना संभव है और ना ही जो भी हमारी राजनीतिक समस्याएं हैं उनका समाधान संभव है। इसलिए राजनीति का अध्ययन विवरणात्मक
के स्थान पर समस्या समाधानात्मक, व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक ढंग से किया जाना चाहिए। तो इस तरह की जो इसकी के जो विचार हैं वो मैक्रोडिस के थे कि किस प्रकार से जो है, क्योंकि हमें जो भी हम काम कर रहे हैं, जिस भी तरह का हम के अप्रोच को हम अपना रहे हैं, वो सबका एक इंडिविजुअल मामला है। और बहुत से अप्रोचेज हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच में भी बहुत से अप्रोचेज हैं, जैसे हमारे फिलोसफिकल अप्रोच है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, हिस्टोरिकल अप्रोच है, तो ये इतने बहुत से अप्रोच है। और इसी तरह से हम मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे तो इसमें भी हम विभिन्न तरह के जो उपागम हैं उनको हम देख रहे हैं। तो इन सारे अप्रोचेज से हमें जो मैक्रोडिस हैं उनका ये मानना है कि हमारा जो अध्ययन है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि उससे हमारे जो समस्या का समाधान निकलना चाहिए, जितनी भी हमारी राजनीतिक समस्याएं हैं उनका समाधान निकलना चाहिए। जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न अप्रोचेस, दीज अप्रोचेस, हालांकि मैं बता चुकी हूँ इसको, उसके बावजूद भी ये इसको हम देख सकते हैं कि दीज अप्रोचेस ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम एम्पिरिकल डेटा, these approaches go beyond the study of political structures and its historical analysis. Modern approaches believe in interdisciplinary study. They stress scientific methods of study and attempt to draw scientific conclusions in political science. जो types of traditional approaches हैं उसमें शामिल है political economic approach, behavioral approach, system approach और structural functional approach. पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल इकोनॉमी रेफर्स टू अ स्पेसिफिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशल एंड पॉलिटिकल फेनोमेना वेयर बाय इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स आर नॉट सीन एज सेपरेट डोमेन्स। जैसे कि हम जनरली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स को सेपरेट डोमेन के तौर पर समझते हैं सामान्यतः, लेकिन जब हम ये जो अप्रोच है इसमें जो है इन दोनों को अलग डोमेन के तौर पर नहीं बल्कि एक साथ ही इनको समझा जाता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि पॉलिसी रिगार्डिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दो विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स is always decided by the government. It is well recognized that the impact of success and failure of the economic of policies depend upon the government. So discussion of political cannot be successful without economics. जैसे कि हमारी जितनी भी policies हैं economy से related, चाहे वो production की हो, distribution की हो, ये सारी policies government बनाती हैं और इन पे इनका किस तरह से इनको इनकी जो भी इनकी सक्सेस है, इनकी फेलियर है, ये सारी चीज़ें डिपेंड ये सब चीज़ें प्रभावित हमारी सरकार को भी करती हैं। तो जो भी पॉलिसी है उसके सक्सेसफुल होने में किस तरह से वो पॉलिसी सक्सेसफुल हो रही है या फेल हो रही है वो हम बिना आर्थिकी के नहीं जान सकते। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो राजनीति और आर्थिकी का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। अगर हम आर्थिकी से संबंधित किसी भी तरह के कानून बना रहे हैं तो उसमें जो, क्योंकि कानून बनाना इसको हम पॉलिटिकल एक पार्ट हो जाता है क्योंकि पॉलिसी से रिलेटेड है, तो किस तरह से ये दोनों आपस में मिले हुए इस पे बात की जा रही है। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इज पॉपुलराइज्ड बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स सेज दैट इकोनॉमी डिटरमाइंस पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल डायमेंशंस ऑफ सोसाइटी। कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि जितने भी हमारे समाज के डायमेंशंस होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, वो रिलीजियस हो, वो कल्चरल हो, वो सारे जो हैं तय करती, हमारी आर्थिकी इन सारे ही डायमेंशंस को तय करती है। Although economy is not only factor but primary factor, मतलब कि हम ये नहीं कहेंगे कि आर्थिकी ही एक इकलौता factor है, लेकिन उसको एक प्राथमिक factor के तौर पर देखा जा सकता है। चिलकोटे हैं जो कि इनकी बुक है थ्योरीज ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, इन्होंने चार तरह के जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी बताई हैं। एक तो ये वानिकवाद, they believe the political over economy, state should encourage export and discourage the import. इसमें generally इनका जो वाणिकवादी रहे हैं उनका विचार ये रहा है कि जिस प्रकार राज्य, मतलब कि राज्य के द्वारा राज्य को जो है
आर्थिकी पर कंट्रोल कर देना चाहिए। जिस प्रकार एक राज्य जो है एक हमारे देश को संरक्षित करता है, किस सुरक्षा करता है, उसी प्रकार हमारी आर्थिकी को भी वो सुरक्षित, अगर मतलब आर्थिकी भी उनके कंट्रोल में रहेगी तो वो जो है हमारा मतलब उससे जो है वो सभी के लिए सही और अच्छी व्यवस्था के तौर पर वो सामने आएगा। नेक्स्ट वो लिबरल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं, जिसको हमने एडम स्मिथ हो गए और रिकार्डो हैं, ये सपोर्ट करते हैं। और ये मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, ये जो है जो वाणिकवादी जो विचार रहा है उनके ये अगेंस्ट ये आया था। मार्क्सिस्ट हैं जो कि क्रिटिक रहे हैं कैपिटल इकोनॉमी के, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज़ एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनसस्टेनेबल। तो मार्क्सिस्ट का विचार जो है वो हमने काफ़ी उसमें पढ़ा हुआ है कार्ल मार्क्स के विचारों के साथ। डिपेंडेंसी थ्योरी, ये मतलब चार तरह के ये पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इसमें डिपेंडेंसी थ्योरी भी शामिल है। डिपेंडेंसी थ्योरी को डिवेलप किया था एंड्रयू गुंडर फ्रैंक और सामिर अमीन ने, और भी इसमें जो है इसके बहुत से स्कॉलर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सिस्टम अप्रोच की। सिस्टम अप्रोच, द नोशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम्स थ्योरी वॉज इमर्ज फ्रॉम द एंशियंट टाइम, डेट बैक टू 1920s। 1920 के दौरान जो है कुछ इसका विकास मतलब ये अस्तित्व में आई थी और इमर्ज हुई थी। और बर्टन लिफी जो है उन्हें जो है उन्हें इसका एडवोकेट कहा जाता है, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। जो जनरल सिस्टम थ्योरी, सामान्य व्यवस्था का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था, और ये जो बायोलॉजी का एक सिद्धांत रहा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी हमारे सोशल साइंटिस्ट थे उनका ये विचार था कि साइंस और सोशल साइंस का जो है एक मिश्रण होना चाहिए, और ये जो है कहीं ना कहीं जो व्यवस्था सिद्धांत है उसके माध्यम से ये संभव है। इन द डिकेड्स ऑफ 60s द सिस्टम थ्योरी बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूल टू इवेल्युएट एंड इन्वेस्टिगेट की फैक्टर्स इन द पॉलिटिकल साइंस। Among political science, David Easton has been the first to apply this theory to political analysis. तो जो हम डेविड ईस्टन रहे हैं ये 60s में जो है इसे डेविड ईस्टन ने अपनाया था इस थ्योरी को, और इसका जो है पॉलिटिकल, इनके द्वारा जो है पॉलिटिकल एनालिसिस किया गया था। This approach signified that a political system operates within the social environment. जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो social, इनका ये मानना है कि political जो system है वो operate होता है social environment से, जो भी हमारा सामाजिक पर्यावरण है इसमें लगभग सभी कुछ सम्मिलित हो जाता है, हमारा व्यवहार और हमारे values सब कुछ इसमें शामिल हो जाता है। तो उसी से जो है political system operate होता है, इनका ये मानना है। It is not possible to analyze a political event in isolation from other aspect of the society। मतलब कि ये संभव ही नहीं है और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप किसी भी political event को एक isolation, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ उसको political ही तौर पर एक अकेले में, सिर्फ मतलब आप किसी भी तरह के सोशल इकोनॉमिक किसी भी तरह के एस्पेक्ट्स नहीं देखना चाहते और आप उसको अकेले ये देखना चाहेंगे कि किस तरह से जो है ये पॉलिटिकल इवेंट जो है वो है, मतलब आइसोलेशन में हम ये नहीं हो सकता बिना समाज के, और जो कि हमारा सोसाइटी या सोसाइटल जो एस्पेक्ट है उसी के माध्यम से हम जो है पॉलिटिकल इवेंट को समझ पाएंगे या पॉलिटिकल सिस्टम को हम समझ पाएंगे। टू पुट इन अदर वे, इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द सोसाइटी, बी इट इकोनॉमिक, रिलीजियस और अदरवाइज, डू शेप द पॉलिटिकल प्रोसेस। चाहे हमारी आर्थिकी हो, हमारा धर्म हो, हमारा समाज हो, ये सभी चीज़ें जो हैं हमारी राजनीतिक प्रक्रिया को एक शेप देती हैं। अगर इसे हमें ये हम बहुत इसे हम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि आज की आप राजनीतिक व्यवस्था को देखें, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कोई भी पॉलिटिकल मामला वो धर्म से, वो समाज से, वो आर्थिकी से जुड़ा होता है, और उससे वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है उसे हम
इसमें समझ सकते हैं, मतलब कि जो हमारा सिस्टम अप्रोच है इसमें उनका यही कहना है कि हम किसी भी, जो भी हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस है वो बिना सोशल इन्वायरमेंट के पॉसिबल नहीं है। जितने भी हमारे सोशल एस्पेक्ट हैं उनके, उनका भी इसमें बहुत, मतलब उनका इन्फ्लुएंस इसमें होता ही है। बिहेवियरल अप्रोच, बिहेवियरलिज्म इज कंसिडर्ड एज कंटेम्प्रेरी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बट दिस अप्रोच वॉज इमर्ज ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म हैज़ बीन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर एज एन एरिया ऑफ स्टडी विद इन पॉलिटिकल साइंस। इट कंसनट्रेट इज ऑन द इंडिविजुअल एज वोटर, लीडर, रिवोल्यूशनरी, पार्टी मेम्बर एंड द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ग्रुप और द पॉलिटिकल सिस्टम ऑन द इंडिविजुअल्स पॉलिटिकल बिहेवियर। इसमें जो है जनरली इस बात पर ध्यान दिया गया व्यक्ति के व्यवहार पर, एक वोटर का, वोटर अगर है उनका वोटिंग बिहेवियर किस तरह से बदलता है, ये सारी जो चीज़ें जो आज हमारे लिए फिर भी कॉमन हो चुका है। हम लगातार देखते हैं कि इलेक्शन से पहले सर्वे हो रहे हैं, हमारा वोटिंग बिहेवियर का को आका जा रहा है, तो ये सब जो संभव हुआ है ये इन्हीं मॉडर्न जो अप्रोच है उसी के माध्यम से ये सब चीज़ें संभव हुई हैं। हम अगर आज लीडर को देखना चाहते हैं, हम देखना लीडर का जो बिहेवियर है उससे हम बहुत कुछ जो है गेस कर लेते हैं या एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारा जो देश है या विश्व की जो स्थिति है अगर लीडर इस अप्रोच का है तो किस तरह से होगा। तो ये चीज़ें अगर आज के समय में हम समझ पा रहे हैं तो ये इसका जो कंट्रीब्यूशन है इसमें ये मॉडर्न अप्रोच का रहा है, क्योंकि इससे पूर्व ये हमारे सब्जेक्ट नहीं हुआ करते थे। हमें वोटर से, लीडर से, रिवोल्यूशनरी, पार्टी मेंबर्स, इन सब से हमारा, मतलब ये सब हमारे विषय के केंद्र नहीं हुआ करते थे। ये मॉडर्न अप्रोच के इंट्रोड्यूस होने के बाद ये हमारे विषय के केंद्र बने हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ये गैब्रियल आलमंड वॉज एन एडवोकेट ऑफ दिस अप्रोच। इट्स डिस्क्राइब पॉलिटिकल सिस्टम एज एन स्पेशल सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटीज परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शंस। द स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच मे बी कंसिडर्ड एज एन ऑफ शूट ऑफ द सिस्टम एनालिसिस। तो इसको जो है, जो हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है इसको जो है सिस्टम अप्रोच, जो हमारा व्यवस्था सिद्धांत है जो कि डेविड ईस्टर ने दिया है, उसके ऑफ शूट के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। ही डिस्क्राइब पॉलिटिकल सिस्टम एज अ स्पेशल सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटीज परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शंस। According to him, the main attribute of a political system are comprehensiveness, interdependency and existence of boundaries. तो इसी, ये हमारे मॉडर्न अप्रोचेज हैं। इन्हीं को अब हम आगे के जो लेक्चर हैं इनको हम थोड़ा, मतलब ब्रॉडली हम इनको समझेंगे, क्योंकि इन सभी अप्रोचेज में ही, अगर हम सिस्टम अप्रोच की बात करें तो उसमें जैसे इनपुट आउटपुट सिस्टम है, डिमांड्स की बात की गई है, उस एनवायरनमेंट की जो हमने अभी बात की थी उसे किस तरह से ये इम्पेक्ट पड़ता है, इसका एक डेविड ईस्टर्न के द्वारा एक डायग्राम दिया गया है उसको हम उसके माध्यम से समझेंगे, जैसे कि आगत निर्गत जो है। इसी तरह से जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, इस अप्रोच को हम जो आमन ने दिए हैं इनपुट में किस तरह क्या क्या चीज़ें, जैसे हित अभिव्यक्तिकरण और ये सब चीज़, ये सब शामिल हैं इस, और आउटपुट में हम जो में भी कुछ कुछ जो तत्व शामिल हैं उनको हम बहुत, उनको हम थोड़ा मतलब पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने ये मॉडर्न अप्रोचेस को जाना है और इनको हमने ब्रीफली समझा है। जो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इन्हीं अप्रोचेस को एक एक करके और मतलब और अच्छे से समझेंगे।